हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हमारा सेल चैप्टर वहां पर समाप्त हो गया, तो आज हम लोग एग्रोनॉमी पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर इंडियन जीके। जो एग्रीकल्चर जो भारत की कृषि है उसके जनरल नॉलेज के बारे में जानेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमेशा पूछता है यहाँ से, एकदम जान ले। इतना जो अभी बेसिक बेसिक चैप्टर मैं चलाऊंगा इसमें, वो एकदम क्वेश्चन उसमें से पूछता ही पूछता है एग्जाम में, ध्यान रखना। भारत एक नजर में हम लोग लेंगे, शॉर्टकट में भारत को एक नजर में लेंगे। तो देखिए, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 32.9 लाख किलोमीटर है। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या पूछेगा लाख में तो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर 32.9 वर्ग किलोमीटर लाख है, ध्यान देना। जान गए ना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर लाख में पूछेगा तो 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर याद हो गया ना। दूसरा पॉइंट देखिए, भारत में कुल प्रदेश कितने हैं, तो सबको पता है 28 प्रदेश हैं अपने यहाँ भारत के केंद्र शासित प्रदेश, तो 8 हैं। चौथा देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन वाली फसल धान है। भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल तो चाय है। भारत में रबी में सर्वाधिक क्षेत्रफल एवं उत्पादन गेहूं का होता है। जो भारत का अपने भारत में जो रबी ऋतु में सबसे ज्यादा किस फसल का उत्पादन होता है, तो गेहूं का होता है। ये खरीफ का मौसम चल रहा है, इसके बाद रबी की बुआई होगी, तो ज्यादातर गेहूं की बुआई होती है, ध्यान रखना। भारत में कृषि एवं पर निर्भर जनसंख्या कितनी, है 52% जनसंख्या सिर्फ खेती पर निर्भर है, पूरी तरह से खेती करती है। भारत में वर्षा आधारित खेती कितनी होती है, 60-70% वर्षा आधारित खेती होती है। भारत में अभी भी सब वर्षा पर आधारित, अगर वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं हो पाएगी, वो सब बंजर हो जाती है भूमि, उसमें अन्न नहीं उग पाता, बंजर नहीं हो जाती है कि बारिश नहीं पड़ती है तो फसल कहाँ सूखेगी, झड़ जाएगी, तो वही बात है। इस समय वर्षा लेट से हो रही है तो फसल बहुत नुकसान हो गई है, क्योंकि सब वर्षा पर आधारित है, तो कृत्रिम सिंचाई तो है नहीं कि सब करेंगे, तो इसीलिए, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत एक गरीब देश है। पहले सोने की चिड़िया था, जब लूट ले गए सब अंग्रेज तो कहां से रह जाएगा, तो इसीलिए स्क्रीन शॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए अगला पॉइंट, 9 पॉइंट देख लीजिए हमारा नवा। भारत सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा किस प्रदेश में पाई जाती है, तो यूपी में सबसे ज्यादा लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। हमारे प्रदेश में सबसे ज्यादा लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है, क्योंकि हम लोग यूपी के हैं। बाकी जो अदर स्टेट से होगा तो उनका भी देख लेना अलग, लेकिन सर्वाधिक भारत में अगर पूछेगा सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा तो यूपी में पाई जाती है। सर्वाधिक अम्लीय मृदा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, दसवां पॉइंट देखिए, भारत में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, तो 24%, तो इसको हेक्टेयर में देख लीजिए तो 8,02,088 हेक्टेयर है, हेक्टेयर क्षेत्रफल है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार क्षेत्रफल 33% है, और वन नीति के अनुसार वन रहना जरूरी है, पृथ्वी पर वन रहना जरूरी है, 33% है क्षेत्रफल आवश्यक है, 33% से ज्यादा हो जाए कम नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। ग्यारहवा देख लीजिए, भारत का क्षेत्रफल 23.35% है, भारत का टोटल क्षेत्रफल 23.35% है, वन क्षेत्रफल है, यहाँ पर भूल गए थे तभी मैं कह रहा हूँ भारत का क्षेत्रफल क्या, वन का क्षेत्रफल 23.35% है, भारत का टोटल वन क्षेत्रफल जो कम है। बारहवा देखिए, भारत में पर्वतों के अंतर्गत क्षेत्रफल 42% है। तेरहवा देखिए, भारतीय मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में
हाय अभी मैंने बताया था जब मौसम तथा जलवायु आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि मुख्यालय कहाँ है, भारतीय मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय तो नई दिल्ली में है। 14 देख लीजिए, विश्व का क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा 2.4% है, जो विश्व में सातवां स्थान है। क्षेत्रफल में भारत का हिस्सा सातवां स्थान है 2.4%। 15 देखिए, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब बना था, तो 1960 में बना, और इस विद्यालय का नाम JBPUAT गोविंद बल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर है, उत्तराखंड में है। JBPUAT पंतनगर उत्तराखंड 1960 में भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बना, कृषि विश्वविद्यालय प्रथम बना है। और देख लीजिए 16 पॉइंट, भारत का प्रथम उद्यान विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में बना, भारत का प्रथम उद्यान विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में बना। 17वां देखिए, भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत 133.12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। अपने यहाँ भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत कितना पड़ता है, उर्वरक खपत तो 133.12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में डाला जाता है। 18वां पॉइंट देखिए, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहरें हैं, भारत में सबसे सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन नहरें हैं, नहरों से सिंचाई की जाती है भारत में सबसे ज्यादा। भारत की औसतन वार्षिक वर्षा 1194 मिलीमीटर है, भारत में औसतन वार्षिक वर्षा 1194 मिलीमीटर है। 20वां पॉइंट देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र पंजाब है, पंजाब में सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है और सिंचित क्षेत्र है, वहां पर सभी व्यवस्थाएं हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला पॉइंट बताते हैं आपको। अब देख लीजिए अगला पॉइंट, 21वां पॉइंट देख लीजिए अपना 21वां, तो न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, SL चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है, याद रख लेना, यहाँ भी बता देता हूँ। 22वां देख लीजिए, सोया राज्य किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को सोया राज्य कहा जाता है। 23वां, भारत में सर्वाधिक दलहन उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है, सर्वाधिक दलहनी फसल उत्पादन वहां पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है, कहां पर होता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दलहन उत्पादन होता है, जो अपनी दाल वाली फसलें हैं। 24वां देख लीजिए, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कब बना था, तो मार्च 1963 में स्थापित किया गया था, कौन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मार्च 1963 में स्थापित किया गया। 25वां देखिए, राष्ट्रीय बीज निगम ANSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन को मार्च 1963 में भी, इसे भी स्थापित किया गया था मार्च 1963 में, किसे, राष्ट्रीय बीज निगम ANSC नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इस समय एक वैकेंसी भी आई है ANSC पे, आप जो इंटर पास है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट वो भर सकते हैं, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जो इंटर पास है वो भर सकते हैं, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की वैकेंसी इस समय आई हुई है। 26वां देख लीजिए, भारतीय खाद्य निगम, तो FCI फूड कॉर्पोरेशन, नहीं भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन इंडियन, जो इसका फुल फॉर्म में भुला गया हूँ, थोड़ा याद रखना, भारतीय खाद्य निगम FCI 1965 में स्थापना इसकी हुई है। 27वां देखिए, भारतीय खाद्य निगम में कार्य आरंभ किया गया, भारतीय खाद्य निगम तो बन गया था 1965 में, और इसका कार्य कब से शुरू हुआ है, अपना तो 1 जनवरी 1966 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है करने के लिए, खाद्य निगम के लिए, इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में होगा जहां तक उम्मीद है। अब देख लीजिए 28वां, कृषि वित्त निगम अप्रैल 1963 में बना। 29वां पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नबार्ड, ये बैंकों का बैंक है, इसे ही कहा जाता है नबार्ड को, जो सबसे बड़ा बैंक है, इसके बाद सभी बैंक आते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक नबार्ड 12 जुलाई 1982 में स्थापित सर्वोच्च संस्था है, 12 जुलाई 1982 में इसको स्थापित किया गया था, यह सभी बैंकों का सर्वोच्च संस्था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, नबार्ड का मुख्यालय मुंबई में बना है, स्थित है वहां पर। 30वां देखिए, इफको IFFCO इफको 3 नवंबर 1967 में बना, इफको क्या है, जब देखते हो कोई प्रोडक्ट पे लिख के आता है इफको, इसमें इफको नैनो यूरिया आई है ना, ऐसे आते हैं, इसका फुल फॉर्म बता देंगे। 31वां देख लिए, संतरा उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र
नागपुर है जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर संतरा उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र है, जो ज्यादा संतरा उगते हैं वहां नागपुर महाराष्ट्र में है। आंवला उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र प्रतापगढ़ है जो यूपी में है, आंवला उत्पादन वहां पर ज्यादा होता है। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए हमारा अगला पॉइंट 37वां, अमरुद उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र कौन सा है, तो सहारनपुर यूपी है, जो अपना सहारनपुर जिला है यूपी में पड़ता है उसमें अमरुद उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र वो है, बहुत प्रचलित है वहां पर, बहुत ज्यादा अमरुद होते हैं। कौन अमरुद? सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश में। चौथा 34वां देख लीजिए, खजूर उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र है तो कच्छ गुजरात है, कच्छ गुजरात, कच्छ एक स्थान है गुजरात में, वहां पर खजूर बहुत ज्यादा होती है तो कच्छ गुजरात है खजूर उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र। प्याज उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र तो नासिक है, जो अपना महाराष्ट्र में पड़ता है, नासिक प्याज उत्पादन के लिए बहुत प्रचलित है। और 36वां पॉइंट देखिए, CIAH इसका मतलब शुष्क एरिड जोन सेंट्रल वाला, ये बीकानेर राजस्थान में है। CISH केंद्रीय उपोष्ण उद्यान की संस्थान, इसका मतलब होता है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान की संस्थान, ये लखनऊ यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। CITH केंद्रीय शीतोष्ण उद्यान की संस्थान, या श्रीनगर में है। IIHR ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर नई दिल्ली, पूसा, पूसा के रोड पर नई दिल्ली में है। और काजरी CAZRI काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। IISR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल में है IISR। NBRI राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान बीरबल, बीरबल सहानी वनस्पति संस्थान भी इसे कहते हैं, किसे? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान को बीरबल सहानी वनस्पति संस्थान कहते हैं, जो लखनऊ यूपी में है। CIH केंद्रीय उद्यान की संस्थान नागालैंड में है। समझ आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम NSC पढ़ेंगे, हम लोग राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन के माध्यम से बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।